नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। उदयपुर शहर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र में बीती रात हुई चाकूबाजी में गारियावास निवासी 22 वर्षीय अभिषेक मीणा की हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर मृतक के परिवारजन ने हिरणमगरी थाने में मामला दर्ज करवाया, जहां मामले की गंभीरता को देखते हुए हिरणमगरी थाना पुलिस ने मिलन भगोरा पुत्र कांतिलाल भगोरा, जयदीप डामोर उर्फ गेवा पुत्र रमेश चंद्र निवासी खेरवाड़ा के साथ ही दो बाल अपचारी को डिटेन किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक और उसके साथियों की महिला मित्र के मोबाइल पर अपराधियों ने कोई मैसेज किया था, जिसको लेकर मृतक अभिषेक मीणा, उसका भाई आशीष मीणा, अजय मीणा, सुनील मीणा, विजय मीणा सभी मिलकर सेक्टर 3 स्थित भोपानगरी अपराधी मिलन भगोरा और जयदीप भगोरा के साथ दो अन्य के साथ बात करने गए थे, जहां पर बात करने के दौरान आपस में माहौल गर्मा गया, जिसको लेकर अभिषेक मीणा व उसके साथ दोस्त कुछ देर के लिए मौके से चले गए थे। लेकिन कुछ देर बाद दोस्तों के मना करने के बावजूद भी अभिषेक व उसका भाई आशीष पुनः मौके पर पहुंचे, जहाँ जयदीप और मिलन के साथ अन्य दो साथियों ने अभिषेक और आशीष पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें अभिषेक मीणा की मौके पर मौत होने का मामला सामने आया। वहीं आशीष के एक हाथ पर चाकू का वार होने से वह भी घायल हो गया था।